बात करते हैं वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री का दौरा और पुलिस को पता तक नहीं हो कि उन्हें जाना कहाँ है। जी हम किसी अरे गहरे वित्त मंत्री की बात नहीं कर रहे, ये है मनमोहन कैबिनेट के नंबर दो यानी प्रणब मुखर्जी। दरअसल प्रणब मुखर्जी के साथ ऐसा ही हादसा मुंबई में हुआ। पुलिस की लापरवाही से प्रणब का काफिला घंटे भर तक मुंबई की सड़कों पर यहां से वहां घूमता रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की सुरक्षा के साथ हुआ है खिलवाड़। मुंबई पुलिस की गलती की वजह से सड़कों पर उनका काफिला घंटों भटकता रहा। प्रणब को जाना था कहीं और चल पड़े कहीं और। वित्त मंत्री को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित होटल ट्राइडेंट जाना था, लेकिन पुलिस स्कॉट उनके काफिले को लेकर नरीमन पॉइंट वाले होटल ट्राइडेंट की तरफ चल पड़ा, जो बिल्कुल उल्टी दिशा में है। करीब घंटे भर तक वित्त मंत्री का काफिला उल्टी दिशा में चलता रहा। मतलब ये कि मुंबई पुलिस को ठीक से पता तक नहीं था कि उन्हें जाना कहां है। असल में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का होटल ट्राइडेंट थोड़ी दिनों पहले ही बना है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें पुराने नहीं बल्कि नए होटल में जाना है। प्रणब के निजी सचिव ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक की शिकायत की है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।